श्रद्धे श्री साहिब जी एवं संत समाज, भक्त समाज, हेलो। हम सबके जीवन में सत्संग का महत्व क्या है? देखिए, आप सब सत्संग के महत्व को समझते हैं तभी यहाँ आए हैं। लेकिन बार बार सत्संग की आवश्यकता होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि सभी जितने उपस्थित हैं सब पुराने सत्संगी, अनेकों बार सत्संग श्रवण कर चुके हैं। ये जो बातें यहाँ से कही जाती हैं, ये बातें अनेकों बार सुनी जा चुकी हैं, और बहुत सारी बातें तो हम सबको पता ही है, लेकिन फिर भी हम सुनते रहते हैं, क्योंकि सुनना और जो हम सुने वह ज्ञान का जीवन में आ जाना, वह ज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, इसके लिए। क्योंकि हम केवल एक बार सुन लेंगे, इससे परिवर्तन नहीं होगा। कुछ लोग कहा करते हैं कि बहुत सत्संग करते हैं, बहुत पुस्तक पढ़ते हैं, और जीवन को देखो तो उस ज्ञान का आचरण ही नहीं है, तो पढ़ने से क्या मतलब, सुनने से क्या मतलब। मैं कहता हूँ, अच्छा, आचरण नहीं है तो पढ़ना छोड़ दो, सुनना छोड़ दो, तब आचरण हो जाएगा? तब भी तो नहीं होगा। जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह ज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए, इसके लिए भी सुनना है, ताकि बार बार सुन करके हमारे भीतर प्रेरणा जगे कि हम वह करें जो हमें करना चाहिए। बार बार जगेगा, बार बार सुनने से याद आएगी कि मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, नहीं मुझे करना है काम, और इसको और जोर से करना है। और ये तो सच है कि लगातार श्रवण हो और थोड़ा भी ध्यान दिया जाए तो जीवन बदलने लगता है, और सभी को महसूस होता है। जो भी इस पथ के पथिक हैं, बस उसके लिए महत्वपूर्ण है कि वह ईमानदारी से लगे, औपचारिकतावश लगे, किसी के दबाव में लगे, किसी के देखे और चलो देखते हैं क्या होता है इस भाव से नहीं, सचमुच वो अपने ही जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहता है, जीवन को और अधिक सुंदर बनाना चाहता है, तो बदलाव आएगा। क्योंकि ज्ञान बार बार जब हमारे भीतर जाता है तो वो हमें धक्का मारता है, कहना चाहिए,
वो बार बार हमें पुश करता है, ढकेलता है, उसी को तो कहते हैं प्रेरित करना। ये प्रेरित करना ही है, सत्संग का मतलब ही है कि संतजन प्रेरित करते हैं। अब कोई संत के पास जाए, सत्संग में जाए, तो कोई सत्य थोड़ी रखा है, या संत कहीं सत्य है उसे उठा करके आपको सौंप थोड़ी देंगे। और ज्ञान का मतलब ऐसा थोड़ी है कि आपके भीतर शांति प्रवेश करा दे, बस प्रेरणा है। देखो भाई, ऐसा करोगे तो ये होगा, नहीं करोगे तो फिर जीवन ज्यों का त्यों बना रह जाएगा। इसलिए यदि आज जीवन में और अधिक सुधार करना चाहते हैं तो ये सब रास्ता है, चलो। और बहुत सारे उदाहरण देते हैं संत जन, देखो उन्होंने अपने जीवन को संवारा, कितना उनका जीवन गलत था, और उसने अपने जीवन में सुधार लाया, और सुधारने के बाद जीवन कैसा हो गया। तो सुनकर लगता है कोई आदमी इतना गलत हो सकता है? अच्छा, गलत हो गया फिर उसके बाद इतना बदल सकता है? तो मैं तो उतना गलत नहीं हूँ जितना कहा जा रहा है दूसरों के लिए, मैं उतना तो गलत नहीं हूँ। हाँ, मेरे भी कुछ कमजोरियाँ हैं। तो इतनी बड़ी गलती करने वाला व्यक्ति जब सुधर गया, तो क्या मैं अपनी छोटी मोटी गलतियों को सुधार नहीं सकता हूँ? ऐसा भीतर से जगेगा। अरे कब होगा? मैंने कहा ना, एक दो बार से काम नहीं चलेगा। इसलिए काम नहीं चलता है कि जैसे कोई परत जमा हो ना, बहुत बहुत पुरानी परत किसी गंदगी की, तो फिर उसको छुड़ाने में वक्त लगता है। पुराना दाग छुड़ाने में वक्त लगता है। आप के घर में जहाँ पानी का काम ज्यादा होता हो, कभी कभी देखेंगे कि काई परत दर परत जम गई है। अब उसको केवल पानी डाल दो, झाड़ू लगा दो, तो साफ नहीं होता है। तो कई बार तो आप उसे फावड़ा से खींचते हैं, पत्थर से रगड़ते हैं, और कांटे वाले जो तार ब्रश होता है उससे रगड़ते हैं ठीक से, तब साफ होता है। आजकल तो गैस चूल्हा में भोजन बनने लग गया है, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम सभी देहाती लोग तो हैं, जानते हैं किस प्रकार लकड़ी चूल्हे में जला करके भोजन बनाते थे, और कैसे उसमें धुआं लगता था, कारीख लग जाती थी बर्तनों में, कढ़ाई में, या जो भी बर्तन में भोजन बने तो पूरा काला काला वो परत जम जाता था। कुछ लोग उसमें मिट्टी और राख लगा लेते थे तो थोड़ा सा कम होता था, और नहीं तो कुछ तो ऐसे होते थे नीचे काला छोड़ दिए, बस काला बनता चला गया, और वो काला बाहर वाला अंदर तक भी आ जाता था, अंदर तक भी पहुंच जाता था। तो अब उसको कोई छुड़ाना चाहे तो रोज की तरह केवल उससे ऐसी सामान्य धो दे, साफ नहीं होगा। फिर जैसा पुराना था, पहले साफ था बर्तन, वैसे मुझे फिर से करना है, तो कितनी सफाई की जरूरत है। मैं तो देखा था बचपने में कि पत्थर लेकर खपड़ा लेकर के उसको रगड़ते रहते थे माताएं कारीख को छुड़ाने के लिए, क्यों बहुत दिनों से वो जमी हुई थी। और पहले जब संत जन भ्रमण करते समय भोजन बनाने के लिए जाते थे, तो मैं तो देखा भी हूँ, कढ़ाई को तो आग में डाल देते थे, बहुत सारी आग ताकि कढ़ाई की गंदगी जल जाए, है ना, कढ़ाई की गंदगी जल जाए। और जिसमें हल्दी मिर्च पीसते थे पत्थर सिलवट्टा, उसको तो ब्रश से रगड़ते थे, सही है ना, क्योंकि महीनों से धुला नहीं है, साफ हो, साफ सुथरा। ये एक उदाहरण मैं दिया। ऐसे ही हमारे भीतर भी कितने जन्म जन्म के परत दर परत जमे हैं, अब उसको छुड़ाना है। और ये कहे कि आप कल तो गया था सत्संग में, क्या रोज रोज जाऊंगा, है ना, कल तो गया था। और कोई कहे अब भी तो गया था कुछ दिन पहले, पिछले महीना सत्संग में गया था,
आप का हर महीना जाए क्या? वो काम नहीं बनेगा। तो फाप क्या होगा? एक महीने पहले जो सुने थे उसके बाद जो महीना बीता, इस पूरे महीने में क्या कोई गलती नहीं हुई? क्या कोई गलत विचार नहीं है? क्या गलत व्यवहार नहीं हो गया? यदि कोई ये कहे जब से मैं पहली बार सत्संग सुना हूं तब से अब कोई गलती मेरे से नहीं होती है, न मेरे सोचने में गलती होती है, न बोलने में गलती होती है, न करने में गलती होती है, तब तो उनके लिए कहा जा सकता है अब सत्संग न भी जाओ तो चलेगा, तो भी चलेगा। लेकिन यदि हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, भूल चूक हो जाती हैं, तो फिर उसको सुधारने के लिए भी जाना होगा। जैसे कोई ये कहे कि भाई घर में रोज झाड़ू लगाए, कल तो लगाए थे, एक सप्ताह पहले तो लगाए थे, अब रोज क्यों लगा रहे हो? तब कभी रोज धूल आ जाती है, तो धूल कौन लाया है? अरे अपने आप आ जाती है। कितनी बड़ी बात हो गई, देखो धूल अपने आप आ गई। तब घर से कहो हम तो धूल डाले नहीं है आप में, अपने आप साफ हो जाओ। ऐसा नहीं होता है, अपने आप धूल आ जाती है, अपने आप कपड़े गंदे हो जाते हैं, अपने आप हमारा शरीर मैला हो जाता है, लेकिन अपने आप साफ नहीं होता है। ऐसे ही हमारा मन भी है, हमारा चित्त भी है, यह भी सब अपने अपने आप का मतलब ये हुआ। देखिए एक उदाहरण एक पक्ष में कहा गया है, आप घर मकान हैं, इसमें तो स्वाभाविक है खिड़की जंगले दरवाजे सब खुले रहते हैं, और वैसे भी आप चाहेंगे तो मुश्किल है, जीवन का थोड़ा अलग मामला है। अब वो बहुत ऊंचाई पर जाए तब की बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से जैसे कोई बहुत प्रज्ञा पुरुष है, अत्यंत सावधान पुरुष है, तो उनके मन में कलमश नहीं आएगा। लेकिन सामान्य साधक भक्तजन वो तो फिर आ ही जाता है। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि हम गलत हों, केवल हमारी गलतियों से ही हमें तकलीफ होती है, ऐसा नहीं है। दूसरे की गलती से भी हम प्रभावित हो जाते हैं। आप बहुत अच्छा करते हैं, आप सब कुछ बढ़िया करते हैं, लेकिन आपके ही कोई परिवार का सदस्य है, आपके ही मित्र में से कोई हो, या रिश्तेदार कोई हो, या गांव का ही कोई हो, और उसने कोई गलत कर दिया, घर का ही कोई बच्चा है वो गलत कर दिया, ऐसा काम कर दिया कि बहुत ही अपमानजनक, सामाजिक रूप से देखा जाए तो उसने सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर दिया है। अब आपसे गलती नहीं हुई है, लेकिन संबंध है, तो फिर उसका प्रभाव आएगा और वो फिर आपके दिमाग पर चढ़ा रहेगा। या फिर कोई ऐसा है कि आपको आकर के कुछ कटु कह दे, अपने ही घर के कोई सदस्य हो और जोर से कुछ बोल दे, या फिर आपने किसी को काम कहा, आप अपने बेटे को कहे, भाई को कहे, पत्नी को कहे, पति कोई भी, अमुक काम कर देना, हाँ ठीक है कर दूंगा, शाम को लौटे काम हो गया, नहीं हो पाया, अब नाराजगी आएगी नहीं आएगी? सीधी सी बात है, आ गई। या फिर वैसे भी वो गलत कर दिया अपनी तरफ से, अब वो आया भीतर, जैसे मैंने कहा था ना कचड़े आ गए साफ करो, तो दूसरों की गलतियां भी हमें प्रभावित कर देती हैं, और वो भीतर वो कचड़ा दूसरे के द्वारा शब्द आया बस वो प्रभावित कर दिया, कोई दृश्य देखे प्रभावित कर दिया हमको, अब वो जो कचड़ा भीतर गया है उसको साफ भी तो करना है। हम कहेंगे कि नहीं जी, हम थोड़ी गलती किए थे,
गलती आप भी किए, सही कहो तो अब बहुत ये तो विश्लेषण अलग हो जाएगा। गलती आपकी भी है, उनकी गलती को आप भीतर जाकर के पकड़ क्यों ले जाकर के, गलती उनकी है लेकिन उनकी गलतियों को कितनी बार दोहरा रहे हैं, कितनी बार सोच रहे हैं, कितनी बार परेशान हो रहे हैं, और वो बेचैनी का कारण हो गया है। इसलिए हमें आवश्यकता है उस बेचैनी से दूर हो, जो अंदर में हम बार बार उन विचारों को सोच रहे हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा कहा, वैसा कहा, तो फिर वो जो कचरा है उसे साफ करना है। सत्संग इसी के लिए तो है, सदग्रंथ का अध्ययन इसी के लिए तो है। सत्संग सुन लिए हैं तो फिर ये जो ज्ञान है उसी समय तो काम आएगा। आप सुने नहीं रहेंगे, जाने नहीं रहेंगे, काम कैसे आएगा? कैसे अपनी रक्षा करनी है, कैसे उसने कहा तो उसको हटाना है? नहीं तो क्या होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में लोग बहुत झगड़ा कर लेते हैं। बहुत कारण देखोगे, बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, बस बस कोई सुबह घर में किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, अब वो दिमाग में चढ़ा रहता है, वो ऐसा किया ही क्यों, उसने वो किया ही क्यों, जब उसे कहा गया था ऐसा नहीं करना फिर भी वही गलती कर रहा है, अब वो चढ़ा हुआ है दिमाग में। अब ध्यान नहीं देंगे तो पूरा दिन तक के सोचते रहेंगे, फिर उसको अच्छा वो बना हुआ है। अब कभी कोई बात आई और फिर से जब कोई प्रसंग आया, कोई गलती हुई, तो फिर क्या करेंगे वो, सब उसको कहेंगे तुमने उस दिन भी वैसा किया था, वैसा हुआ था। अब देखिए क्यों, वो इकट्ठा किया गया है कई दिनों का और वो निकलने लगा भड़ 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 भड़। अच्छा जीवन थोड़ी है, क्यों? क्योंकि हमने सफाई नहीं की है। जैसे घर में झाड़ू लगा करके साफ करते हैं, पोछा लगा करके साफ करते हैं, साबुन पानी से कपड़े धो लेते हैं, शरीर धो लेते हैं, साफ हो जाता है, ऐसे ही हमें अपने अंतस को भी धोना है। कैसे धोना है, किससे धोलेंगे? वो है अच्छे विचार, सही बातें सुनेंगे, सदग्रंथ पढ़ेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो वो जो बातें जाएंगी ना, वो आपको भीतर से साफ करेगा। ये तो संस्मरण है, कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ भक्त आते और सत्संग सुनते, गुरुदेव जी का प्रवचन सुनते, प्रवचन खत्म होने के बाद आके कहते आज तो सारा प्रवचन मेरे ऊपर ही रहा। क्या कहते थे, आज तो सारा प्रवचन मेरे ऊपर था। अब उन गुरुदेव जी को क्या पता कि उनके जीवन में क्या हुआ है, लेकिन उनके जीवन में जो समस्याएं थी, अब सामान्य रूप से प्रवचन किए और ऐसा लगा उन्हीं के बारे में प्रवचन हो रहा है, और वो सारी बातें सुन करके उनके मन में बहुत सारी जो चिंता थी, बहुत बातें ऐसे मन में बोझ के रूप में दबाव बना रही थी, अब सुन करके विचार हल्का लगने लग गया, समाधान। कुछ लोग आकर कहते थे, मन था कुछ पूछने के लिए, लेकिन सत्संग सुनने के बाद में वो पूछने जैसा कुछ नहीं है, अब वो समाधान हो गया। तो समाधान हो गया मतलब आप का आपके भीतर से सफाई हो गई सत्संग से, या फिर आप सत्संग सुने और सत्संग सुने और आपके भीतर में वो ज्ञान है, और कभी चार दिन बाद, छह दिन बाद, चार महीना बाद कभी ऐसा ऐसी कोई घटना घटी, ऐसी कोई समस्या आई, ख्याल आया देखो मैं सत्संग में गया थी, ये बात कहे थे, इसलिए मुझे ऐसा करना है, इसका समाधान ऐसा करना है, वो काम आता तो नहीं आता है। वो बहुत पुरानी कहानी जो मैं गुरुदेव जी से भी सुना और भी संत लोग, पुरानी बहुत, यहाँ बैठे लोग हैं शायद, लगता है सब सुने होंगे।
चोर पुरवा की कहानी। एक गांव, छोटा सा गांव था, वहां के लोग चोरी करते थे। उन लोगों का कहना चीज चोरी करना ही धंधा था सबका, नाम भी पड़ गया था चोर पुरवा। तो चुरा करके ले आते और अपना खाते पीते मौज करते थे। कभी पकड़ भी गए तो मारपीट लिए, जेल में थोड़ा डाल दिए, थोड़े दिन बाद फिर छूट गए। तो दूसरा कोई है तो गांव वालों का यही काम ही होता था। तो छोटा सा था, एक परिवार ही रहा होगा समझो, वही बढ़ गया था। एक दिन क्या हुआ, राजा के यहाँ जो राजकोष है वहां से काफी धन चुरा लिए। अब अगले दिन पता चला कि भाई ये चोरी हो गई है, तब पता करो। तो पता करो तो राजा का मंत्री बड़ा चतुर था, उसने सोचा चोर पुरवा का चोर ही आए होंगे और कौन आएगा चुराने के लिए। अब पता करने चला गया तो जब वो आए रात के समय, वहां के लोग जो चोर पुरवा के थे वे लोग काली के उपासक थे, काली के उपासक थे और जानते थे काली की उपासना करने में, और बहुत सारे वो लोग उनके लिए पूजा करना, बहुत जो भी उनकी मान्यता थी उसके आधार पर वो दान दक्षिणा सब क्या करते थे। ये रात में आए काली का रूप बना करके, खुद वहाँ जो मंत्री था वेश बदला और काली का रूप बना करके आया, जो ऐसे हाथ में वो खप्पर लेकर के आग जल रही हो और भी अपना काला कपड़ा पहन करके, जो उनका हाथ में तलवार जो भी उसका ताना बाना था वो पहन करके आए और चिल्लाने लगे कि भक्तों को कि मेरे भक्तों और मेरी कृपा से ये आप लोगों को सफलता मिलती है और मेरे लिए कोई ध्यान ही नहीं, ना मेरी पूजा न मेरे प्रति कोई समर्पण बहुत। तो चोरों ने कहा वाह, आज तो साक्षात काली आ गई है, आज तो साक्षात काली आ गई। और जो मुख्य चोर था उसी के दरवाजे पर जा करके गरजती है वो, या कहना चाहिए कि वो बना था मंत्री तो गरजता है कह लो जो भी हो। तो फिर वो चिल्लाती है तो वो सचमुच डर गया, कहा कि बताओ राजा के यहाँ से राज खजाने से रात में धन लाए थे नहीं लाए थे। अरे ये तो सब जानती है, काली ही है तो सब जानेगी ही। हाँ हाँ सब लाए थे हम लोग और बहुत माल मिला है, तो फिर इसके बदले में कुछ करना है। बस इतनी सी बात थी, वो तो चले गए, उनको क्या लगा पता चल गया। तो वहां देखे क्या थे कि एक आदमी उसी में से उसी के साथी, उसने क्या कहा था कि मामला है कुछ तो है, क्योंकि जो छप्पर ऐसा जला रहे थे ना तो उससे प्रकाश चल रहा था रात में। अब प्रकाश से क्या लग रहा था कि वो जो काली की छाया बन रही थी और उसके जमीन पैर पर थे। अच्छा तो क्या हुआ इससे, नहीं ये काली नहीं है, कोई रूप बना करके आया है हम लोगों को इंक्वायरी करने के लिए। अच्छा तुम कैसे जाने, अरे मुझे पता है, कैसे बताओ तो सही। उन्होंने कहा कि एक बार एक जगह मैं रात में गया था चोरी करने के लिए और वहां से मैं जा रहा था, तो जा रहा था तो मेरे पूर्वज ने कहा था कहीं भी सत्संग हो तो जाना नहीं है, धोखे से भी कान पे सत्संग की आवाज न पड़ जाए, नहीं तो फिर वो अपने धंधा नहीं कर पाओगे। अच्छा तो क्या करना है, यदि कहीं सचमुच वो अवसर मिले तो अपने कानों में रुई ठूस लेना ताकि वहां की आवाज कान में न प्रवेश कर जाए। तो मैं रुई ऐसे कान में ढाला हुआ था। अब सत्संग वही एक रास्ता था और वहां सत्संग हो रहा था रात में, मैं जाता कैसे, तो मैंने तो रुई तो डाल दी कान में।
अब चला तेजी से कि कहीं कान में आवाज ना पड़ जाए, और ऐसा कुछ रहा कि पत्थर कुछ चोट लगी, मैं गिरा तो कान की रुई निकल गई। उसी समय कथावाचक था, वो बोल रहे थे, देवता की परछाई नहीं पड़ती और देवता के पैर जमीन पर नहीं पड़ते, जमीन से कुछ ऊंचे चलते हैं वो, ये मैं सुना था उनसे। और वो चीज मैं देखा उसी के आधार पर, तो उसके तो पैर जमीन पर भी थे और उसकी परछाई भी पड़ रही थी। तभी मैं जान गया कि ये कोई नकली है, असली काली नहीं है, कोई हमारे बारे में भेद करने आया था। तब तो कहा कि बात तो सही है, अब कैसे करें, और मंत्री यहाँ का बड़ा चतुर है, हो ना हो वही आया हो, अब तो हम लोग कल बचेंगे नहीं, सबको पकड़ करके जेल में डालेंगे, और क्योंकि वो तो पता ही चल गया है। रात में ही सब लोगों ने योजना बना ली और पूरा सर सामान बांध करके रातों रात चलकर इसके राज्य के सीमा से बाहर चले गए। उस पार तब क्या हुआ, वहां जब चले गए बैठे सब लोग बसे फिर कहीं, तो उसके मन में आया चोर के जो मुखिया था, देखो कल हम लोग तो निश्चित रूप से पकड़ गए होते और या तो फांसी मिल जाती या तो फिर आजीवन कारावास हो जाता। अच्छा बचे कैसे, वही सत्संग में जो नहीं सुनना चाहते थे वो भी सुन लिए, उसने हमको बचाया, उसने हमको बचाया। तो सत्संग का जो एक वाक्य हमारे जीवन को बचा सकता है, रक्षा कर सकता है, तो क्या हमारे जीवन को सुंदर नहीं बना सकता है? तो फिर हम चोरी का काम करें ही क्यों, वो सत्संग में लग करके अच्छा जीवन क्यों न जिए? कहानी है। तो उन लोगों ने चोरी का काम छोड़ करके सही काम करने लग गए और जीवन उनका सुधर गया, ये कहानी है। तो वो जो सुने थे ना सत्संग में, वो काम आया, मैं कह रहा था वो जो ज्ञान उनके अंदर चला गया था वो उनके लिए काम आया। ऐसे ही जब हम सभी सत्संग में जो विचार सुने रहते हैं और वो जब हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं, तो ये जो ज्ञान है ना काम आते हैं और फिर समाधान का रास्ता मिलता है और हम छोटी बड़ी समस्याओं का हम समाधान ढूंढ लेते हैं। इसलिए हम सबको इससे जुड़ना जरूरी है। तो सत्संग का मतलब है जो हमें सही रास्ता दिखाए, सत्संग का मतलब है जो हमें भीतर का भी ज्ञान कराए, स्वयं का भी ज्ञान कराए और हमें व्यवहार का भी ज्ञान कराए, अध्यात्म की यात्रा कराए और व्यवहार को पवित्र बनाए। ऐसा ज्ञान हमें सत्संग में मिलता है। स्कूल और कॉलेज में जाकर के जो जाने से पढ़ाई होती है, स्कूल कॉलेज में जाकर के लोग पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, ऐसा ज्ञान पढ़ते हैं, ऐसी पढ़ाई आजकल होती है जिससे पढ़ करके नौकरी मिले, है ना, धन कमाने का उपाय सीखें, वो गलत नहीं है, धन कमाने का उपाय सीखना भी चाहिए, लेकिन जीवन सुधार के बारे में कोई शिक्षा वहां नहीं होती है। सुखी परिवार कैसे हो उसके बारे में शिक्षा नहीं बताई जाती है। मेरे मन का तनाव कैसे खत्म हो, मेरी चिंता कैसे खत्म हो, इसकी पढ़ाई नहीं होती है, इसकी पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए सत्संग का महत्व है जो हमें जीने का सही तरीका बताता है, यही महत्व है सत्संग का। इसलिए हमारे जीवन के पूरे समग्र विकास के लिए, और ये कहना चाहिए कि हम परिवार को सही ढंग से हम चला सकें, परिवार की व्यवस्था सही कर सकें, इसके लिए भी इस प्रकार के विचारों की आवश्यकता होती है, और समाज राष्ट्र सबके लिए महत्वपूर्ण है। हम सबको सत्संग से जुड़े रहना है,
बार बार जुड़े रहना है, बार बार विचारों को पढ़ना है, और नहीं तो नहीं आएंगे, नहीं सुनेंगे। मैंने कहा ना, धूल की परत जमती चली जाएगी, कलमश बढ़ती चली जाएगी, तो जो भीतर पवित्रता हमने इकट्ठी की है वो और वहाँ गंदगी भरती चली जाएगी। इसलिए ये सत्संग का आयोजन यत्र तत्र करते हैं ताकि हम सही जीवन जी सकें और स्वयं भी अच्छे रास्ते पर चल सकें, अपने आसपास के लोगों को सही सीख दे सकें और सही सीख दे करके सही ढंग से प्रेरित करके एक सुंदर वातावरण, एक सुंदर समाज की रचना में सहयोग दे सकते हैं, सुंदर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। देखिए, जब अपने राष्ट्र के बारे में हम सोचेंगे, समाज और परिवार के बारे में सोचेंगे, स्वयं के बारे में सोचेंगे कि भाई ये सब कुछ अच्छा हो, तो फिर इसके लिए हमें स्वयं से काम शुरू करना है। इसके लिए मुझे अच्छा जीवन जीना है, लोगों को बातें बतानी है, आगे बढ़ना है। तो ये एक ऐसा माहौल है सत्संग का, सब जगह मिलता नहीं है। आप देखो ना, जगह जगह कथाएं होती हैं। आजकल अभी वहां था, जहां अभी हम जहां थे वहीं से आए, तो अगली रात को एक आवाज हो रही थी, पता क्या चला, राम सप्ताह। राम सप्ताह करो ठीक है, लेकिन हुआ क्या आखिर में, कौन सी ऐसी प्रेरणा मिली? और बहुत सारी कथाएं होती हैं, चाहे भागवत कथा हो और राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, शिव पुराण कथा, बहुत सारी कथाएं चलती हैं, और उन कथाओं में क्या होता है, महिमा की बातें। जिस भगवान के बारे में चर्चा होती है, उसके जीवन के बारे में उनके वर्णन करेंगे कि वहाँ का क्या करते थे, कहाँ शादी हुई, किससे लड़ाई हुई, किसके साथ दुश्मनी थी, कब मारकाट हुए, कौन उसका दुश्मन, फिर उसने कैसा चमत्कार किया, वो किया, ये करोगे तो ये फायदा, नहीं करोगे तो नरक जाना पड़ेगा, ये बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन वो क्या है, उनकी कथा है, उनके जीवन के बारे में बताया जा रहा है। कृष्ण कथा में कृष्ण के जीवन के बारे में बता रहे हैं, राम कथा में राम के जीवन के बारे में बताते हैं, शिव कथा में शिव के बारे में बताएंगे, देवी कथा, देवी भागवत में देवी की कथा, देवी के जीवन के बारे में बताएंगे, आपके जीवन के बारे में नहीं बताते हैं, है कि नहीं? आपके जीवन का महत्व है, आपको कैसे जीना है, वो कैसे जिए, हो गए जी गए, वो किसको मारे काटे, हो गए उनका जीवन खत्म, मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे बोलना है, मुझे कैसे व्यवहार करना है, ये तो सीखना है। और ये नहीं सीखेंगे तो केवल दूसरे ने ऐसा किया, उसने उनको मारा, उसने उनको छल किया, तो क्या मतलब निकलेगा? इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन का विश्लेषण कर सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें। वो कैसे होगा? वो सत्संग से होगा। यहाँ वो बातें बताई जाती है, मैंने कहा था ना, अंदर की बातें, बाहर की बातें, आपके अंतस की बातें, मानसिक जगत की बातें बताई जाएंगी, व्यवहार जगत की बातें बताई जाएंगी, ताकि हम अपने जीवन का समग्र रूप से विकास कर सके। आज तो ये पहला दिन है सत्संग का, तो सत्संग का महत्व जीवन में क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई। कल से इन्हीं बातों को लेकर के और विस्तार से हम लोग आगे के दिनों में चर्चा करेंगे कि सचमुच वो जो ज्ञान हमें प्राप्त है वो हमारे जीवन में कैसे आ जाए, और हम जीवन बदलने के लिए और कौन कौन से काम कर सकते हैं। बहुत सारी जो अंधमान्यताएं हैं, परम अंध विश्वास है, उसमें आदमी भटका हुआ है, उससे हम कैसे छुट्टी पाएं, और तमाम विश्वों में लोग भटक रहे हैं, अपना तो बचना ही है, औरों के लिए कैसे हम प्रेरणा दे सकते हैं, इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं होती रहेंगी। आप सभी ये समय जो है उसमें आते रहेंगे, तो नए नए विषयों पर आप सबको ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। मैं अपनी वाणी को विराम दूं।
आप सबको धन्यवाद साहेब बंदगी।